नमस्कार दोस्तों, जिन्हें शिक्षा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम ई के उच्चारण के नियम जो है सीखेंगे, यानी ई के जितने भी उच्चारण होंगे उन सभी को आज के इस क्लास में सीखेंगे, ताकि इंग्लिश पढ़ने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, ताकि ई के जितने भी उच्चारण हैं उन सभी को आप जो है आसानी से सीख जाएंगे, ताकि जब मैं इंग्लिश का बुक पढ़ना सिखाऊंगा तो उसमें जो है आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ई का ए उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, यानी ई का ए उच्चारण कब होगा इसी को हम जानना है, और इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, ई का उच्चारण तब होता है जब दो कंसोनेंट के बीच में ई आता है, तो ई का उच्चारण जो होता है ए होता है। क्या? यानी दो कंसोनेंट रहेगा और उसके बीच में ई रहेगा, और उसके अलावा कोई भी वोवेल नहीं रहेगा, तो उसका ई का जो उच्चारण होगा क्या होगा? ए होगा। तो चलिए हम इसको हम पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे एक शब्द है एन ई और यहाँ पे टी है, तो इसको देखिए पढ़ेंगे कैसे। एन, एन का उच्चारण न होता है, और यहाँ पे ई, ई है, और यहाँ पे टी है, दो कंसोनेंट है और बीच में क्या है? ई है, तो इसका उच्चारण ए होगा। तो ए के लिए क्या होगा? इसका मात्रा जो होता है इस तरह का होता है, और मात्रा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन, एन का न हो गया, यहाँ पे न हो गया है, और ई के लिए यहाँ पे देखिए इसके ऊपर जो है एक मात्रा लगा है, ए का मात्रा, ये हो गया ने, और टी से ट होता है, यानी टी का उच्चारण ट होता है, तो इसको पढ़ेंगे नेट, यानी एन ई टी, नेट। इसी प्रकार से आगे देखेंगे एस ई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे हम? सेल। इसी यहाँ पे भी देखिए आप ए से, और यहाँ पे डबल एल है, और इसके बीच में जो है ई आया है, इसलिए यहाँ पे इसका उच्चारण ए हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे सेल। आगे हम देखेंगे एम ई एन, क्या पढ़ेंगे इसको? मेन। एल ई जी, क्या पढ़ेंगे इसको? लेग। डब्लू ई डबल एल, क्या पढ़ेंगे इसको? वेल। डब्लू ई टी वेट। डब्लू एच ई एन वेन। पी ई एन पेन। जे ई टी जेट। जी ई टी गेट। टी एच ई वाई दे। इसके बाद ई का ई उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, यानी ई का ई उच्चारण वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। तो देखिए, ई का ई उच्चारण कब होता है? तो ई का ई उच्चारण तब होता है जब किसी कंसोनेंट के लास्ट में ई होता है, और ई से पहले कोई भी वोवेल नहीं होता है, तो इस ई का उच्चारण जो होता है बड़ी ई होता है, ई। तो चलिए अब जो है ई के उच्चारण वाले शब्दों को पढ़ना सीखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बी है, बी क्या है? ये कंसोनेंट है, और जस्ट इसके लास्ट में जो है ई है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो है एक कंसोनेंट रहेगा, और कंसोनेंट के जस्ट लास्ट में जो है क्या होगा? ई होगा, और इसके अलावा कोई भी वोवेल नहीं होगा, इसको हम ई का जो उच्चारण होगा ई होगा, बड़ी ई होगा, तो इसको पढ़ेंगे बी ई। बी डब्ल्यू ई वी एच ई ही एस एच ई शी। इसको जो है आप याद कर लीजिएगा बार बार इसको पढ़ करके। इसके बाद डबल ई हम देखेंगे यहाँ पे, इसे ई, यानी जब किसी वर्ड्स में डबल ई लगा हुआ रहता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होगा? तो उसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई होगा, और इसका दीर्घ उच्चारण होगा, यानी उसका थोड़ा लंबा उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एस,
और इसमें डबल ई लगा है, तो इसको पढ़ेंगे हम सी, इसको थोड़ा लंबा उच्चारण करेंगे इसका। इसी प्रकार से यहाँ पे बी डबल ई बी, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप एस एल डबल ई पी, स्लीप डब्ल्यू डबल ई के, वीक एस एच डबल ई पी, शीप एम डबल ई टी, मीट। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डबल ई मिले तो उसका उच्चारण क्या कीजिएगा, बड़ी ई कीजिएगा, और उसका उच्चारण जो होगा दीर्घ होगा यानी लंबा होगा। तो चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जब किसी वर्ड्स में ई ए लगा रहेगा तो उसका उच्चारण जो है कैसा होगा। तो जब किसी वर्ड्स में ई ए लगा हुआ रहेगा तो उसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी एल ई ए एन, तो इसको हम पढ़ेंगे क्लीन। देखिए यहाँ पे सी एल ई ए एन क्या है, ई एन यहाँ पे लगा है, क्या लगा है, ई एन, तो इसका उच्चारण जो होगा बड़ी ई होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम क्लीन। इसी प्रकार से एच ई ए टी, इसको क्या पढ़ेंगे हम हीट, एस ई ए सी एम ई ए टी, मीट डब्ल्यू ई ए के, वीक एस पी ई ए के, स्पीक आर ई ए डी, रीड ई ए टी, इट। ध्यान रखिएगा जब भी आपको किसी वर्ड्स में ई ए मिले एक साथ तो इसका उच्चारण क्या होगा, बड़ी ई होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ई, यानी ई का अपना कोई ध्वनि नहीं, यानी अब जो हम वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं वैसे वर्ड्स को पढ़ेंगे जिसमें ई तो होगा लेकिन ई का उच्चारण यानी उसका साउंड जो होगा नहीं होगा। ए नंबर में देखते हैं, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का ए उच्चारण होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, कह रहा है यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो यानी किसी वर्ड्स में ई रहेगा और ई से पहले कोई भोवेल जैसे ए रहेगा, भोवेल क्या है, भोवेल पांच होता है, ए ई आई ओ और यू, ये जो है पांच भोवेल है। तो किसी वर्ड्स में ई रहेगा और ई से पहले ए हो तो ए का ए उच्चारण होता है लेकिन ई का कोई ध्वनि यानी ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। यहाँ पे हम वर्ड्स को देखते हैं, जैसे एस एच ए एम ई, इसको क्या पढ़ेंगे हम शेम। देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है, ई है और इससे पहले क्या है, ए जो है ए भोवेल है ए, तो देखिए यहाँ पे तो लास्ट में जो ई है इसका कोई उच्चारण नहीं होगा और इससे पहले वाले ए का उच्चारण जो होगा ए होगा, तो इसको हम पढ़ें क्या शेम। इसी प्रकार से एन ए एम ई, इसको पढ़ेंगे हम नेम, एल ए एम ई लेम, एस ए एम ई सेम, आर ए टी ई रेट, जी ए टी ई गेट, एस ए भी ई सेव। इसके बाद हम बी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर आई हो तो आई का उच्चारण आई होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है। इसमें जो क्या रहेगा, ई के पहले जो है क्या रहेगा, आई रहेगा, आई जो है भोवेल है, आई रहेगा और जब आई रहेगा तो आई का उच्चारण क्या होगा, आई होगा और अंतिम में जो ई रहेगा इसका उच्चारण नहीं होगा यानी सिर्फ अपना उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डब्ल्यू आई एफ ई, इसको हम पढ़ेंगे वाइफ।
देखिए यहाँ पे W है, W से जस्ट बाद I है, उसके बाद F है और लास्ट में देखिए यहाँ पे E है, और इससे पहले क्या है, वोवेल जो है यहाँ पे I है, तो I का उच्चारण क्या हुआ है, I, और यहाँ पे E का अपना कोई उच्चारण नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे वाइफ। इसी प्रकार से आगे देखेंगे N I N E, इसको पढ़ेंगे नाइन, W H I T E वाइट, L I N E लाइन, M I N E माइन, K I T E काइट, K N I F E इसको पढ़ेंगे नाइफ। इसके बाद हम सी में देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर ओ हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, यानी ई जो होगा लास्ट में होगा और उससे पहले जो होगा ओ भोवेल होगा, तो ओ का हम ओ उच्चारण करेंगे और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे एन ओ एस ई, यहाँ पे देखिए लास्ट में ई है और इससे पहले जो यहाँ पे एस है और इससे पहले जो क्या है ओ है, यानी ई से पहले ओ है, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण ओ होगा और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे हम एन ओ एस ई नोज, एस एम ओ के ई स्मोक, जे ओ के ई जोक, एच ओ पी ई होप। इसके बाद हम डी नंबर देखेंगे, यदि पूर्ववर्ती स्वर यू हो तो यू का उच्चारण ऊ या यू होता है और अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, यानी क्या होगा, लास्ट में किसी वर्ड्स के लास्ट में ई रहेगा और ई से पहले जो है यू रहेगा, तो यू का उच्चारण जो होगा ऊ या यू होगा और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा। तो चलिए इनसे बनने वाले वर्षों को हम पढ़ना सीखते हैं, जैसे आर यू एल ई, यहाँ पे देखिए आप आर है, आर के जस्ट बाद यू है और उसके बाद एल है, एल के बाद में ई है, यानी लास्ट में ई है और इससे पहले आने वाले भोवेल जो है यू है, तो यहाँ पे देखिए यू का उच्चारण जो होगा ऊ या यू होगा और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, आर यू एल ई, इसको पढ़ेंगे हम रूल, टी यू एन ई ट्यून, इसके बाद जे यू एन ई जून, टी यू बी ई, इसको पढ़ेंगे हम ट्यूब। तो इसको जो है आप बार बार रिपीट कीजिए, और भी आपको बहुत सारे वर्ड्स इस प्रकार के मिल सकते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इन सभी रूल्स को ध्यान में रखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की जो भी वर्ड्स आएंगे तो उसको जो है आप आसानी से पढ़ देंगे। इसके बाद हम देखेंगे किसी वर्ड में ई डब्ल्यू हो तो उसका उच्चारण जो होता है ई यू होता है, ई यू। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे कोई भी वर्ड्स हो और उसका एंडिंग जो होता है, समाप्त जो होता है ई डब्ल्यू से होता है तो उसका उच्चारण जो होगा ई यू होगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनसे बनने वाले वर्ड्स को देखते हैं, एफ ई डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए लास्ट जो होता है ई और डब्ल्यू से हो रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे फ्यू, यानी एफ ई डब्ल्यू फ्यू। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे एम ई डब्ल्यू, इसको पढ़ेंगे म्यू, इसके बाद एन ई डब्ल्यू न्यू, डी ई डब्ल्यू ड्यू। तो इसको आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको जो है ई डब्ल्यू वाले एंडिंग के शब्द जो है आप आसानी से पढ़ सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस इंग्लिश क्लास में बस इतना ही, और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग जो है इस क्लास को अपने कॉपी या डायरी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए ताकि आपको जो है ई के उच्चारण वाले जितने भी नियम हैं वो सभी जो है आपको याद हो जाए, ताकि मैं जब इंग्लिश का बुक पढ़ना सिखाऊंगा उसमें जो है आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास बस इतना ही खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे।
और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंग्लिश के क्लास में।